उधर वीके भवरा ओहदे तो हटाने तो बाद पंजाब सरकार ने साबका पुलिस मुखी भी नोटिस भेजी है। कारण दसो नोटिस से पंजाब सरकार ने वीके भवरा तो जवाब तलब किए। कार्यकाल दौरान इन्नी वारदातें क्यों वापरिया ते इसनू हैंडल क्यों नहीं कर पाए, इन सवाल पूछा गया। तो वीके भवरा नू पंजाब पुलिस के अहदे तो हटाने तो बाद नोटिस जारी किया गया सी, जिस दे विच कई सवाल पूछे गए सन कि उन्होंने कार्यकाल दौरान इन्निया वारदातें क्यों वापरिया, उसका सही तरीके नाल निपटारा क्यों नहीं किया गया। नोटिस का जवाब देते हुए वीके भवरा ने सरकार तो पूछे है कि आखिर उन्हां दी की गलती, कि इस दे नाल दस्या जा रहा है कि उन्हां सरकार तो भी सवाल पूछे ने। तो दस दईए जदों वीके भवरा छुट्टियां ते गए सन ते छुट्टी तो वापस परतन ते दो दिन पहला उन्हां नूं एक कारण दसो नोटिस जारी किया गया सी पंजाब सरकार दे वल्लों, जिस दे विच सिद्धू मूसेवाला दी सुरक्षा वापसी नूं लैके सवाल पूछे गए सन ते इस दे नाल ही उन्हां दे कार्यकाल दौरान दिनों दिन वध रहियां वारदातां नूं लैके सवाल पूछा गया सी, जिस तों बाद वीके भवरा ने पंजाब सरकार नूं जवाब दित्ता ते पूछा गया कि इन्हां विच उन्हां दी की गलती है। वधेरे जानकारी देंगे साडे सहयोगी अंकुश कोहली, सीधा उन्हां दा रुख करदे आं जी। अंकुश, सब तो पहला विस्तार नाल शुरू तो लैके हुण तक पूरे मामले ते चर्चा कीती जाए। बिल्कुल रुचि, वीके भवरा इस वेले जिहड़े हैगे चर्चा च बने हैगे आ, क्योंकि अगर गल कीती जावे 4 जुलाई ओह दिन सीगा जिस दिन जिहड़ा उन्होंने छुट्टी लई सी, छुट्टी मंगी सी 2 महीने दी छुट्टी, जिस सी हुण छुट्टी मंगी सी इहदे वी जिहड़ा हैगा विरोधियां ने सवाल चुके सी, कई चर्चावां चलियां सी कि छुट्टी दित्ती गई हैगी है जान के या फिर उन्होंने मंगी, हालांकि अपलाई उन्होंने कीता सीगा जरूर, ते उन्हां तों सवाल पुछे गए सीगे तां उन्होंने कारण दस्से सी कई, ते 4 जुलाई तो लैके 2 महीने की छुट्टी सी, तो जदों ही वापस आना सीगा, सारे पता है कि जदों ही वापस आना सीगा वीके भवरा ने वापस अपनी ज्वाइनिंग करनी सी, उस वेले जिहड़ा है उस तो कुछ दिन पहला ही उन्होंने एक नोटिस दे दिता जाता है कि उन्होंने जिहड़ा कार्यकाल सीगा उस दौरान जिहड़ी क्राइम इंसीडेंट्स होए उन्होंने वो सही ढंग नाल हैंडलिंग नहीं कर पाए, तो वह उन्होंने जिहड़ा है इल्जाम लगाए गए सीगे। इस नूं चलदे ही जिहड़ा हैगा उन्होंने छुट्टी जब खत्म होने तो पहला ही उन्होंने एक नोटिस सर्व किया गया सीगा सरकार वालों, जिस से तमाम सवाल उन्होंने पूछे गए सीगे कि इसका जवाब दिता जाए कि जदों जिहड़ा है उन्होंने कार्यकाल सीगा प्रोपर हैंडलिंग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि तमाम वारदातें जिहड़ियां हैगियां उन्होंने जिक्र किया गया, तो होर भी कई इंसीडेंट्स जिहड़े उनके कार्यकाल च होए उन्होंने जिक्र किया गया कि क्यों प्रोपर हैंडलिंग नहीं कर पाए। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा हुण तकरीबन 1 हफ्ते बाद वीके भवरा ने जिहड़ा हैगा सूत्रों के हवाले तो यह खबर हैगी है कि 20 तो सवाल ज़्यादा सवाल उल्टा सरकार तो पुछ लेने, उस नोटिस का जवाब देंदे हुए उन्होंने 20 तो ज़्यादा सवाल सरकार तो ही पुछ लेने। उन्होंने कहा है वीके भवरा ने कि मैनू डेटा प्रोवाइड करवाया जाए कि जिहड़े इंसीडेंट्स की सरकार गल कर रही है कि मैं प्रोपर हैंडलिंग नहीं कर पाया। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर मेरा कसूर की सीगा, क्यों मैनू जिहड़ा हटाया गया जिहड़ा फोर्स के पंजाब पुलिस फोर्स के मुखी के पद तो क्यों हटाया गया, क्योंकि नोटिस जो सर्व किया गया सीगा उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्होंने हटाता गया सीगा मुखी दे जिहड़े पद तो, ते नाल ही जिहड़ा हैगा उन्होंने पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन लाता गया सीगा। हुण इस वेले मौजूदा तौर ते पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन दे जिहड़ा चेयरमैन हैगे लेकिन गौरव यादव जिहड़ा जदों छुट्टी ते जांदे ने ते गौरव यादव नूं जिहड़ा हैगा चार्ज दे दित्ता गया सीगा, और मन्निया जांदा है गौरव यादव जिहड़े है सरकार दे काफ़ी क्लोज मन्ने जांदे रहे ने, ते उस तो बाद जिहड़ा है हुण वी गौरव यादव कोल ही जिहड़ा है कार्यकाल है, क्योंकि पहलां ही रुचि जिस वेले गौरव यादव दा 2 महीने दा जिस वेले गल की माफ करना जिस वे वीके याद भवरा ने वापस आना सीगा तां उसी वेले चर्चावां शुरू हो गई सी कि सरकार कुछ ना कुछ करके कर सकती हैगी है कि गौरव यादव ही बने रहन, और आखिर उही हुंदा है गौरव यादव ही पद ते बने रहिंदे है। कुछ इत्थे इक होर चीज ऐड करना चाहांगे, पल दी अपडेट आपां लैंदे रहांगे। सो वड्डी खबर जिहड़ा नोटिस जवाब तलब वीके भवरा नूं कीता गया सी उसदा वीके भवरा ने हुण जवाब दित्ता है ते सरकार तों ही 20 सवाल पुछे ने।